हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस यूएफा यूरोपा लीग के मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा टुलूस वर्सेस लिवरपूल के बीच। तो लिवरपूल आप जानते हैं प्रीमियर लीग का क्लब है और इस यूरोपा लीग कंपटीशन को जीतने का भी वन ऑफ द टॉप कंटेंडर है। इनके जो अपोनेंट है वो है टुलूस। अब जो टुलूस क्लब है ये फ्रेंच लीगा में खेलता है और वहाँ के भी ये मिड टेबल के क्लब में काउंट होता है। एक बार मैं आपको इनका वाला ग्रुप दिखा देता हूँ यूरोपा लीग का। तो इस ग्रुप में लिवरपूल है, टुलूस है, इसके अलावा यूनियन सेंट जिलुआ और लास्क भी है। फिलहाल लिवरपूल इस ग्रुप में टॉप में है। तीन में अपने तीनों मैचेस वो जीत चुके हैं, 10 गोल मारे हैं, सिर्फ 2 गोल उन्होंने कंसीड किए और 9 इनके पॉइंट है। तो अभी तक बहुत इंप्रेसिव रहा है लिवरपूल का परफॉर्मेंस। टुलूस जो है इस ग्रुप में थर्ड स्पॉट में है, 3 में 1 वो जीते हैं, 1 ड्रॉ 1 लॉस है, 3 गोल मारे हैं लेकिन 6 गोल कंसीड कर दिए और 4 उनके पॉइंट है। जहां तक मुझे लगता है लिवरपूल इजिली इस ग्रुप को टॉप कर जाएगी। अब जो सेकंड स्पॉट है उसमें टुलूस और यूनियन सेंट जिलुआ की टक्कर है, तो इस वजह से यहां से बचे हुए जितने भी मैचेस हैं अगर टुलूस को टॉप 2 में फिनिश करना है उनके लिए एक तरीके से डू और डाई वाले होने वाले हैं। वही लिवरपूल बचे हुए 3 में 1 आध भी जीत जाती है तो कंफर्म नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएगी। बट लिवरपूल भी चाहेगी कि वो अगले बचे हुए 3 के 3 मैचेस वन करे। एक बार जो है आपको मैं दोनों का जो प्रीवियस मैच का रिजल्ट हुआ था वो दिखाता हूँ। सेम ग्रुप का मैच था, लास्ट जो मैच हुआ था लास्ट टू लास्ट वीक वो मैच लिवरपूल के घर में हुआ था और लिवरपूल ने 5-1 से अपने घर में बुरी तरीके से तुलूस को थ्रैश किया था। उनकी तरफ से साला, जोटा, नूनेज, एंडो और ग्रावनबर्ग सब ने एक एक गोल मारा था। अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, कर्टिस जोन्स और गापको का एक एक असिस्ट था। जो एक गोल टुलूस की साइड से आया था उस मैच में वो डलिंगा ने मारा था और डोनम का आया था असिस्ट। फिलहाल इस वाले मैच की बात की जाए, ऑल दो टुलूस अपने घर में खेल लिया है और लिवरपूल अपने कुछ मेन प्लेयर्स को भी रेस्ट देने वाली है, बट स्टिल लिवरपूल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, अपने बैकअप प्लेयर्स से भी खेलेगी तब भी वो टुलूस के सामने क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है। तो अभी के लिए स्मॉल लीग में हम लिवरपूल को ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं। अब गाइस, सबसे मेन चीज़, इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे। पहले फेवरेट्स लिवरपूल की बात करते हैं। फेवरेट्स हैं अभी मैं इनके मैक्सिमम, यानी कि मैं 7 प्लेयर लिवरपूल के पिक करने वाला हूँ। तो लिवरपूल की प्रोबेबल लाइन पर नजर डालते हैं। केलेहर जो कि इनके सेकेंड चॉइस गोलकीपर है, इनके गोलकीपर होने वाले हैं। 4 इनके डिफेंडर होंगे, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, मैथिप, क्वांसा और सिमिकास। अब जो इनके दोनों मेन चॉइस डिफेंडर्स हैं, वेंडाइक वो तो वैसे भी अनअवेलेबल है इस मैच में, और दूसरे कोनाटे वो भी रेस्ट करने वाले हैं। तो दो जो बैकअप सेंटर बैक है मैथिप और क्वांसा वो खेलेंगे। स्टिल इस मैच में किसी एक टीम का क्लीन शीट का ज़्यादा चांस है वो लिवरपूल का है, तो मैं अभी के लिए लिवरपूल के मैक्सिमम डिफेंडर पिक कर रहा हूँ। दूसरा जो है लिवरपूल पोजीशन भी डोमिनेट करने वाली है। फिलहाल मैं चारों के चारों डिफेंडर ले गया, लेकिन अगर आपको एक मे बी एक्स्ट्रा अटैकर या एक्स्ट्रा मिडफील्डर ले आना है उस केस में आप चाहें तो क्वांसा या मैथिप में, खासतौर पर क्वांसा अटैके वो एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर या अटैकर ले सकते हैं। बट अभी के लिए जो है मैं चारों ही डिफेंडर लेके गया हूँ। इनफैक्ट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड तो इतने अटैकिंग है आप इनको स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, मैथिप, क्वांसा और सिमिकास चारों लिवरपूल डिफेंडर को पिक किया है। एंडो खेलेंगे डिफेंसिव मिडफील्ड में। लास्ट मैच में एक रैंडम गोल मार दिया था इन्होंने टुलूस के अगेंस्ट, बट स्टिल ये उतना ज्यादा अटैक नहीं करते, डिफेंसिव भी रहते हैं, इस वजह से अभी के लिए मैं एंडो को इग्नोर कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने मैकेलिस्टर को भी इग्नोर किया, बट श्योरली मिडफील्ड में एक ऑप्शन होंगे। लेकिन इस मैच में अगर मैकेलिस्टर स्टार्ट करते भी है तो इनके मिनट्स शायद फुल 90 ना मिले, इनको जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, बिकॉज वीकेंड में फिर से लिवरपूल को एक मैच खेलना है प्रीमियर लीग में और मैकेलिस्टर आप जानते हैं लिवरपूल के कोर टीम के प्लेयर हैं। इस वजह से अभी के लिए मैं मैकेलिस्टर को भी इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज इनके मिनट सेश्योर नहीं है। लेकिन आप चाहे तो मिडफील्ड में कंसिडर कर सकते हैं, एक ऐसे प्लेयर है जो बिना गोल असिस्ट के 25-30-35 पॉइंट दे देते हैं। तो अभी मैंने एंडो, मैकेलिस्टर दोनों को इग्नोर किया, बट मैं पिक करूंगा इलियट को जो मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में 90 मिनट भी खेलेंगे, अटैकिंग वाइज बहुत अच्छे हैं और कभी भी गोल असिस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो मैं मिडफील्ड में प्लेयर पिक कर रहा हूँ वो है इलियट। अब फॉरवर्ड में साला और नूनेज को रेस्ट मिलने वाला है, तो यहाँ पे साला वाले प्लेस में बेन डोक करके एक यंगस्टर है उनको मौका मिल सकता है। इसके अलावा नूनेज के प्लेस में खेलेंगे कोडी गापको और जोटा वाले प्लेस में खेलेंगे लुइस डियास। फिलहाल मैं गापको और लुइस डियास दोनों को पिक करूंगा। डियास आप जानते हैं ऑफ फील्ड इश्यूज कुछ चल रहे हैं, बट स्टिल ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है अभी अटैकिंग वाइज लिवरपूल के, और लास्ट मैच में जो लूटन के अगेंस्ट डाइंग मिनट में इक्वलाइजर मारा था वो भी डियास ने मारा था। बाकी गापको भी एक टॉप क्लास प्लेयर है, तो मैं इन दोनों को पिक कर रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं बेन डोक को इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज
पेसी हैं, स्किलफुल है, ट्रिकी स्टंप्स हैं, लेकिन अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाए। अगर आपको पढ़ लेना है आप डोक पे तभी लेना जब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल असिस्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है मैं बेन डोक को इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये लिवरपूल की 11 थी जो मैं अभी के लिए 7 प्लेयर ले गया। मैं चारों डिफेंडर ले गया, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, मैथिप क्वांशा और सिमिकास। मैं मिडफील्ड में इलियट ले गया, इसके अलावा मैं गाप को और लुइस डियास को पिक करके गया हूँ। बाकी आपको मिडफील्ड में अगर मैकेलिस्टर लेने हैं या तो आप कौन सा हटा के ले सकते हैं या आप इलियट हटा के मैकेलिस्टर ले सकते हैं। दूसरा ये सेम चीज़ आप बेन डोक के केस में भी कर सकते हैं, आप कौन सा हटा के पॉइंट लेना है बेन डोक पे ले सकते हैं, नहीं तो आप इलियट हटा के बेन डोक पे पॉइंट ले सकते हैं। तो ये लिवरपूल की 11 थी, बाकी जो पेनल्टी हो साला लेंगे। और ये अभी तक के लिवरपूल के सीजन के स्टैट है प्रीमियर लीग के, आप ये स्टैट देख सकते हैं। अपोनेंट की बात करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड दिलाऊंगा, इस मैच की फाइनल टीम या अपडेट के लिए आपको ज्वाइन करना है मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपोनेंट टुलूस की। तो रेस्टेस इनके गोलकीपर होंगे, मेरे अकॉर्डिंग लिवरपूल ज़्यादा अटैक करेगी तो मैं गोलकीपर रेस्टेस को पिक कर रहा हूँ। चार इनके डिफेंडर हैं, डेजलर, डियारा, निकोलाइसन और सुआजो। फिलहाल अभी मैं इनका कोई भी डिफेंडर लेके नहीं गया, लेकिन जो इनके दोनों फुलबैक्स हैं डेसलर सुआजो, ये दोनों डिफेंसिव अच्छे हैं और अटैकिंग वाइज भी ओके ओके है। अगर आपको कोई डिफेंडर लेना है, खासतौर पर मेरी नंबर वन चॉइस रहेंगे लेफ्ट बैक सुआजो और सेकंड चॉइस रहेंगे राइट बैक डेसलर, इन दोनों में आप किसी एक डिफेंडर के साथ जा सकते हैं, बट अभी मैं इनके सारे डिफेंडर स्किप कर रहा हूँ। मिडफील्ड में मैं श्मिट और कैसेरस इन दोनों को पिक करूंगा, बिकॉज ये दोनों के टैकलिंग इंटरसेप्शन नंबर भी बहुत इंप्रेसिव है और दोनों अटैकिंग रिटर्न भी दे सकते हैं, खासतौर पे स्मिथ, ये तो इनके कॉर्नर्स वगैरह भी लेते हैं। तो अभी के लिए मैं कैसेरस और स्मिथ इन दोनों को पिक कर रहा हूँ, बाकी सीआरओ भी डिफेंसिव पॉइंट दे सकते हैं, बट फिलहाल ये इन तीनों में मेरी सबसे थर्ड चॉइस है। अभी के लिए मैंने सीआरओ को इग्नोर किया, लेकिन अगर आपको लगता है जो मैं अटैकर डलिंगा पिक कर रहा हूँ वो फ्लॉप होंगे तो आप इनके प्लेस में सीआरओ भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सीआरओ को इग्नोर करके सिर्फ स्मिथ और कैसेरस को पिक करके गया हूँ। बाकी फॉरवर्ड में माग्री ने कुछ खास किया नहीं है, 2-3 गोल मारे बट बहुत इनकंसिस्टेंट है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। डोनम ने भी अभी बहुत ज़्यादा खास किया नहीं है, इनके भी मिनट्स एश्योर नहीं है, मैं इनको भी इग्नोर कर रहा हूँ। मैं पिक कर रहा हूँ डलिंगा को, जो मेन अटैकर है टुलूस को, लास्ट सीजन भी टॉप स्कोरर था, इस सीजन भी अभी तक अच्छी फॉर्म में, और जो रिवर्स फिक्चर हुआ था जिसमें लिवरपूल ने इनको 5-1 से हराया था, उस मैच में जो एक गोल आया था टुलूस के लिए वो भी डलिंगा ने मारा था, और ये पेनल्टी टेकर भी है, तो अभी के लिए मैं डलिंगा भी लेके गया हूँ, बिकॉज टुलूस एट होम है तो शायद डलिंगा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप श्योर है टुलूस स्कोर नहीं करेंगे तो आप डलिंगा हटा के या तो मिडफील्ड में सियारो ले सकते हैं या आप सुआजो या डेसलर में किसी एक फुलबैक को पिक करके चल सकते हैं। तो ये टुलूस की 11 थी जो मैं अभी के लिए यहाँ से चार प्लेयर ले गया। मैं गोलकीपर रेस्टेस ले गया, इसके अलावा मैं श्मिट, कैसेरस और डलिंगा को पिक करके गया हूँ। बाकी पेनल्टी टेकर डलिंगा है, बैकअप में अबुकलाल, और ये मैंने टुलूस के फ्रेंच लीग आगे सीएन के स्टैंड लिखे हैं। आप देखिए 3-3 गोल है डलिंगा, अबुकलाल और माग्री का, बाकियों का 1-1 गोल है, और अब असिस्ट वाला कॉलम भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं मेरी प्रिडिक्शन में। मैं यहाँ पे एक क्लियर कट 2-0 या 2-1 लिवरपूल विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम है। गोलकीपर मैंने रेस्टेस लिए टुलूस से, मैं लिवरपूल के अभी के लिए चारों डिफेंडर ले गया, मैथिप, सिमिकास, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और क्वांसा। मिडफील्ड में मैंने लुइस डियास और इलियट लिए लिवरपूल से, वहां से मैंने लिया कैसेरस और स्मिथ को, फॉरवर्ड में मैंने डलिंगा और कोडी गाप्को को पिक किया है। अब आपको मैकेलिस्टर लेना है, या तो आप इलियट हटा के ले सकते हैं अगर वो खेलते हैं, या आप सीधे सीधे डिफेंडर जो है क्वांशा हटा के मैकेलिस्टर ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको बेन डोक पे पढ़ लेना है अटैकिंग सेक्शन में, तो भी आप क्वांशा हटा के बेन डोक के साथ जा सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप श्योर है कि यहाँ पे जो टुलूस है वो स्कोर नहीं कर पाएगी, तो आप जो डलिंगा है उनको हटा के, जो मैंने इनके थर्ड मिडफील्डर बताए थे सीआरओ, उनको ले सकते हैं, या आप दोनों में से किसी एक इनके जो फुलबैक है उनके साथ जा सकते हैं। फिलहाल अगर साला और नूनेज नहीं खेलते तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बेस्ट टू ऑप्शन रहेंगे डियाज और गाप्को ही। आप इनमें से किसी को भी सीवीसी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा लो स्कोरिंग मैच होगा तो आप वाइस कैप्टनसी के लिए अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी ये मेरी डेमो रफ टीम थी। अपडेटेड टीम के लिए आपको ज्वाइन करना है मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो उसका लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए।